नमस्कार दोस्तों, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 26 दिसंबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आए शुरू में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आए शुरू में आयकर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज रविवार है, सूर्यदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्यदेव भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार, आज की तिथि है सप्तमी, आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, पंच चल रहा है कृष्ण पंच। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:31 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:42 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है शाम 4:08 से शाम 4:49 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 4 और शुभ रंग है हल्का पीला, सफेद और नारंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के चाणक नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि इन तीन चीजों में संतोष रखने वाला ही बताता है सुखी और खुशहाल जीवन, आप भी जान लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह कभी संतोष नहीं करता, उनकी इच्छा बहुत होती है, वह दिन ज्यादा से ज्यादा पाने की ख्वाहिश रखता है। चाणक्य कहते हैं कुछ चीजों में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, अगर इन चीजों में व्यक्ति ने संतोष नहीं किया तो जीवन कष्टकारी बन सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर व्यक्ति को असंतोष भी दिखाना चाहिए। चाणक्य ने एक श्लोक में वर्णन करते हुए कहा है कि आखिर किन चीजों में मनुष्य को संतोष करना चाहिए और किन चीजों में नहीं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं अगर पत्नी सुंदर ना हो तो भी संतोष करना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन विवाह के बाद कभी किसी पुरुष को अन्य स्त्री के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा करने से उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। हर व्यक्ति को पत्नी की भारी सुंदरता से ज्यादा उसके गुणों को देखना चाहिए। एक सुशील व संस्कारी पत्नी किसी भी व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर सकती है। साथ ही साथ आचार्य चाणक आगे कहते हैं भोजन कैसा भी मिले लेकिन उसे प्रसाद समझकर हमेशा ग्रहण करना चाहिए। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता है, इसलिए जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए तो हमेशा उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। चाणक कहते हैं भोजन बहुत नसीब वाले लोगों के ही भाग्य में होता है। साथ ही आचार्य चाणक कहते हैं व्यक्ति के पास जितना धन हो उसमें ही उसे संतोष करना चाहिए। पैसे की चाहत में व्यक्ति को कभी गलत काम नहीं करने चाहिए, ना ही किसी दूसरे के धन पर बुरी नजर डालनी चाहिए। ये आदतें जीवन में आगे चलकर मुश्किलों में डाल देती हैं, इसलिए आय के हिसाब से ही धन खर्च करना चाहिए और उसमें संतोष करना चाहिए। साथ ही साथ आचार्य चाणक आगे बताते हैं आखिर व्यक्ति को किन बातों में असंतोष करना चाहिए, यानी हमेशा आगे बढ़ने की मेहनत होनी चाहिए। नीति शास्त्र के अनुसार अध्ययन, दान और तप में व्यक्ति को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको चाणक नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अपने आहार पर नियंत्रण रखें और चुस्त तंदुरुस्त होने के लिए आपको नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए। कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो आपके पास पहले से आपके पास हैं। जीवन साथी के साथ खरीदारी मजेदार रहेगी, इससे आप दोनों के बीच की समझ में भी इजाफा होगा। आपको आज ही अपने प्रिय को दिल की बात बतानी जरूरी है क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। काम काज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए, ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को खुश नसीब समझता है, इन पलों का आपको भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो साझेदारी में प्रवेश करने का यह एक अच्छा मौका है।
जो भविष्य में आपके लाभकारी होगा। अगर आप नौकरी के लिए परीक्षा या प्रतियोगिता या साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि होगी। परिवार में कोई धार्मिक समारोह या कोई अन्य उत्सव मनाया जा सकता है। लंबी दूरी की यात्रा फायदेमंद साबित होगी। आप सुख और शांत रहेंगे। विवाह योग्य संतान का रिश्ता पक्का हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े नजर आने वाले हैं। किसी छोटे से मामले को लेकर जीवन साथी के संग आपकी बहस होने की संभावना है। सिंगल लोगों को शादीशुदा का प्रस्ताव होने की संभावना बन रही है। आर्थिक रूप से आप बेहतर और बेहतर से बेहतर करेंगे। मीडिया, आर्ट्स, कंप्यूटर से जुड़े बिजनेस में आपको फायदेमंद स्थितियां बनी हुई हैं। आपके द्वारा पूरा किया गया असाइनमेंट में सीनियर को बड़ी कमी मिलने वाली है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहे हैं। सेहत और फिटनेस को लेकर आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आपको नियमित रहना होगा। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ सामान लेने के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ सकता है। साथ ही आपको बताएं, नौकरी पैसा लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इंक्रीमेंट के भी योग बढ़ रहे हैं। चल अचल संपत्ति खरीदने की भी संभावना बनी हुई है। आपके पारिवारिक सुख में इजाफा संभव है। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजित आपकी प्रसन्नता में बढ़ापा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय सोच समझ कर चलने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ कोई विवाद संबंधों में आपको कठोरता आ सकती है। तनाव की वजह से सिरदर्द हो सकता है। अधिक काम करने से बचें और पूर्ण आराम आपको करना चाहिए। नौकरी में आपको मित्रों व सहयोगियों की सहायता से आपको लाभ मिल सकता है। विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी। लकड़ी, स्टेशनरी, पेपर, प्रिंटिंग प्रेस आदि से जुड़े बिजनेस करने वाले लोगों को आज अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए काफी फलदायी रहेगा। साथ ही आपको बताएं, शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे तथा अपने काम को नया रूप देने के लिए आप ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे। अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयत्नशील होना आपके लिए सफलता देगा। ध्यान रखें, किसी छोटी सी बात पर ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने व्यवहार में लचीलापन आपको बनाकर रखना होगा। और साथ ही आपको बताएं, आप अपने गुस्से पर काबू रखें वरना आपके लिए आर्थिक हानि हो सकती है। कभी कभी आपको महसूस होगा कि परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी आपको चिंता भी रहेगी। काम की अधिकता की वजह से घर में अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, परंतु पारिवारिक सदस्यों का सहयोग इसने आप पर बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों पर विश्वास रखना और दोस्ताना व्यवहार उनकी कार्य क्षमता और आत्मबल को भी अधिकता बढ़ाएगा। उनके उचित योगदान की वजह से आप अपने व्यक्तिगत मामलों पर भी अधिक ध्यान दे पाएंगे। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपने सहयोगियों के साथ आपको बहस करनी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की यात्रा और शॉपिंग को लेकर कानासुनी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने मधुर संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपके प्रयास से स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं और आप अपने रिश्तों को नई रचनात्मकता देंगे और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, मर्यादित आचार रखना ही आपके लिए सही साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने प्रियतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तव में यह रिश्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है। आपका प्रियतम ही आपका सब कुछ है। तो दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही सही रहने वाला है, परंतु ज्यादा काम की वजह से पैरों में थकान का आपको अनुभव हो सकता है, इसलिए आप एक संयमित दिनचर्या रखें। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग का व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।